दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की रात किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय, जिसे करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होगी। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, साथ ही लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधान है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है, साथ ही लगाए माखन और मिश्री का भोग। जन्माष्टमी की रात जब भगवान का जन्म हो जाए तो उनको माखन और मिश्री का भोग लगाए, क्योंकि कान्हा को माखन और मिश्री बहुत ही पसंद है। वहीं ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगा। शंख से करें अभिषेक। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन में वृद्धि होगी। बांसुरी करें अर्पित। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान श्री कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है, साथ ही इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी, साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।